रोहतांग पास के बाद अब हमने प्लान बनाया है, हम मनाली नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये स्पीति वाला है। और शिशु होते हुए हम स्टे उदयपुर में करेंगे, रात को वहीं रहेंगे और सुबह फिर हम आएंगे, त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो अब हम जा रहे हैं सीधा कहाँ, उदयपुर। चलो चलते हैं। यही रास्ता आगे जाके लेह लद्दाख भी जाता है। मज़ा आता है देख के, लोग रास्ते में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और खूब नेचर के मज़े लेते हैं। देखिए कैसे भाई लोग, ओए रास्ते से हट जा भाई, कैसे लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं, इतने सुंदर दृश्य लगते हैं देखने में भाई, मन करता है कि यहीं घंटों बैठे रहें। लेकिन हमें तो अपनी अगली मंजिल पर पहुँचना होता है। अगली मंजिल पर पहुँचने के चक्कर में हम प्रेजेंट में ये हसीन वादियाँ के इंजॉय नहीं कर पाते, आगे चले जाते हैं। तो फ्रेंड आपका भी अगर मन करे तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। रास्ते इतने इजी हैं कि कोई भी भाई थोड़ी सी ड्राइविंग जानता हो, कोई भी गाड़ी आ जाती है भाई, चाहे ऑल्टो हो, चाहे सेडान हो, चाहे होंडा सिटी हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पहाड़ियाँ हैं ही नहीं। ये देखिए सड़क इतनी अच्छी बनी है जैसे कि दिल्ली का हाईवे हो। तो आप आइए, इन सुंदर सुंदर वादियों का मज़ा लीजिए। बहुत ही रास्ते में इतने वाटरफॉल पड़ते हैं कि आपका मन करता है कि मैं रुक रुक के आऊँ। और अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे आगे कहाँ स्टे करना। आप मनाली से चलते हैं आगे और रोहतांग पास से 20 किलोमीटर पहले टेरेन बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये ऐसे पहाड़ आ जाते हैं बिल्कुल सूखे, कोई सब्जी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, सिर्फ घास दिखती है। यानी कि यहाँ पे या तो ऑक्सीजन की कमी है या बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन, कोई भी फल फ्रूट्स नहीं लगते हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे कलौंग की तरफ, वहाँ पे फिर खेती बाड़ी रहती है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे एक भी घर नहीं है, यहाँ लोग रहते नहीं हैं क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम हुई, कुछ होगा ही नहीं। मनाली से लेके और आगे कलौंग तक का रास्ता काफ़ी साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुले डबल फोर लेन्स कहते हैं या टू लेन्स कहते हैं, ऐसा मिलेगा देखने को आपको। सामने कोई गांव है, हम कलौंग की तरफ जा रहे हैं, स्पीति। और स्पीति में अगर कोई जगह मिलेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो हम अटल टनल होते हुए, सोलांग होते हुए सीधा मनाली में कई रास्ते में स्टे करेंगे। सारा सामान हमारी गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं नॉर्मल ड्राइव है, कोई भी आदमी यहाँ पे ड्राइव करके आ सकता है। मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ, पहले कलौंग का रास्ता ऐसा नहीं था। लेकिन लेह लद्दाख यहाँ से बहुत से बाइकर्स, बहुत से ग्रुप्स जाते हैं, तो इसलिए अब रास्ते पर ख़ास काम किया गया है और काफ़ी अच्छा रास्ता बना दिया गया है। जब आप रोहतांग पास से कलौंग की तरफ जाते तो ऐसे पता नहीं कितने झरने। भैया क्या नाम है जगह का इसका, शिशु कुछ आइडिया है? नेटवर्क ही चल रहा है, फिर भी कोई आइडिया नहीं गाँव कौन सा है? नहीं है, कौन? हाँ वो लोग कल से मुझे लगा। बहुत बड़ा वाटरफॉल है कुक सर, हाँ ले लिया, बहुत अच्छा लगा देखा। अब हम पहुंच चुके हैं लाहौल स्पीति। अभी ये चेक पोस्ट थी, इन्होंने हमसे सिर्फ गाड़ी का नंबर मांगा और ये पूछा कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाएंगे, कोई पेपर चेक नहीं किया। मैंने उनसे पूछा क्या मैं स्टे कर सकता हूँ, कहते हैं आप यहाँ स्टे कर सकते हैं कोकसर में और शिशु में, और कल आप टनल होते वापस जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और काफ़ी खूबसूरत गांव है ये। अभी हमने लाहौल स्पीति एंटर किया है, ये जो चेक पोस्ट था ये लाहौल स्पीति का ही था। तो देखिए लाहौल स्पीति जैसे हम आए, हम
कितना खूबसूरत है ये ब्रिज देखिए लेफ्ट हैंड पे मेरे। मैं राइट पर स्लो कर लेता हूँ, आप देखिए ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते रहेंगे। अलाउ नहीं हो रहा, मैं वहाँ रुकता हूँ, गाड़ी रुक लूँ। माँ हो गया हो गया। तो फ्रेंड अभी हम आगे चलते हैं, अभी देखते हैं अगर स्पीति में हमें कहाँ स्टे मिलता है। कोकसर में तो अब क्रॉस कर ही रहे हैं, अगर शिशु में कोई बढ़िया जगह होगी तो हम जरूर स्टे करेंगे। पहुंचे हैं कोकसर, कोकसर से आगे शिशु, और ये देखिए ये टनल है। हम इतना लंबा घूम के आए हैं अब, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे हम सोलार वैली। लेकिन यहाँ स्टे करने का तो ऐसा मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं। अगर हमें वहाँ रहने की जगह मिल गई तो हम शिशु में रात में रहेंगे। सर शिशु विलेज पर्ची कटती है सर यहाँ पे। अच्छा जी सर, कटवा गए हम 550 रुपए की। हमने क्रॉस कर दिया 3 बजे और ये दिखा रहा है नेविगेशन की अब हम जाएंगे त्रिलोकीनाथ, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे और फिर नियर बाय स्टे देख के हम वहीं रुकेंगे और फिर देखते, सारा अनप्लान्ड आपको पता ही है, फिर देखते हैं कि हम कहाँ निकलेंगे कल। टांडी है 17 किलोमीटर यहाँ से रह गए हैं, तो अभी हम शिशु की तरफ जा रहे हैं, और सॉरी शिशु क्रॉस किया हमने, टांडी की तरफ जा रहे हैं और फिर आगे हम जाएंगे त्रिलोकीनाथ जी। उदयपुर में स्टे करेंगे ये हमारा प्लान है, बाकी जाने के बाद मिलेगा। तब तक आप इस ब्यूटीफुल नेचर का मज़ा लीजिए।
मैं केलांग गया था, बहुत साल पहले गया था, मुझे याद भी नहीं है, 2006 की बात है। तब ऐसे रास्ते नहीं थे और तब ये रूट भी ऐसा नहीं था, तब मुझे केलांग का रूट पता नहीं था, ऐसा लगा नहीं था मुझे। अब की बार ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं मई जून में आया था। तो आगे देखते हैं क्या होता है त्रिलोकीनाथ जी में। जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर, इतनी मैगी खा जाएगा, इतनी मैगी खा जाएगा, किसी ने सोची ना होगी। अभी टांडी पहुंचने वाले हैं हम, टांडी से हम जाएंगे उदयपुर। सुना है बड़ी सुंदर जगह है, पहली बार जा रहा हूँ। 2-2.5 घंटे लगे हैं उदयपुर पहुंचने में, स्टे उदयपुर करेंगे और फिर त्रिलोकीनाथ जी दर्शन रात को शायद कर ले तो ठीक है, नहीं तो सुबह ही करेंगे। तो आपको दर्शन कराएंगे, फिलहाल आप नेचर के मजे लीजिए। अभी शाम के बजे हैं 4:08 हो गए हैं और सड़कें इतनी अच्छी हैं फ्रेंड, इतनी अच्छी हैं कि मैं कोई 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, बहुत ही वेल मेंटेन रोड्स हैं यहाँ की। मैं अपने ब्लॉग के अंदर अपनी शक्ल कम दिखाता हूँ लेकिन जो नज़ारे हैं वो ज़्यादा दिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना कि मेरी शक्ल तो आप कभी देख लोगे, लेकिन ये जो नज़ारे हैं आप इनको देखिए, क्योंकि GoPro जब सामने रिकॉर्डिंग करता है ना तो बहुत अच्छे व्यूज़ ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जब बीच में हम आ जाते हैं ना तो वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। तो फिलहाल आप नेचर, ये पहाड़ झरनों के मजे लीजिए। क्या विशाल पर्वत है भाई, ओ भाई, जब इस पर बर्फ़ पड़ती होगी, जब ये बर्फ़ से पूरा ढक जाता होगा तो कैसा व्यू आता है, और बर्फ़ जरूर पड़ती है इसके ऊपर क्योंकि पौधे कम, पेड़ एक भी पेड़ नहीं है। वो देखिए जैसे आप हर टर्न को जो टर्न करते हो आप, एक नई दुनिया खुल जाती है। ये मज़े हैं स्पीति के, लाहौल स्पीति कहते हैं, रिवर साथ साथ बह रही है, इतना खूबसूरत लगता है देखने में। पीछे टाटा की कोई गाड़ी आ रही है शायद, या एंडेवर आ रही है पता नहीं, और ऐसे नज़ारा लगता है यार ये क्या है, क्या इसी दुनिया में हम लोग। और मैंने सफारी इसलिए खरीदी है फ्रेंड कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिप करूं। सफारी मैंने गुड़गांव में चलाने से नहीं खरीदी है। आप भी अगर SUV खरीदते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हो, तो आप यहाँ ज़रूर लेके आएँ। पीछे टोयोटा फॉर्चूनर आ रही है, यहाँ पे भैया पत्थर भी गिरते हैं, देख लीजिए आप पत्थर, ये थोड़ा एरिया ऐसा ही है, और मेरी गाड़ी में है सनरूफ, पत्थर गिरा तो अंदर ही आ जाएगा। पेट्रोल पंप है भाई, करें नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर दूर है, हमें तो हमारा तो है, कितना है हमारा है पेट्रोल, 317 सही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसके बाद 350 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है, और हमारी गाड़ी में अभी 300 किलोमीटर चलने का पेट्रोल डीजल है। वाह है फ्रेंड, टांडी, टांडी ब्रिज है, और ऐसे जब ब्रिज आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। वॉर्ड इधर है, केलांग इधर है 9 किलोमीटर, ले भी इधर है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ से उदयपुर की तरफ लेफ्ट लेंगे हम, हमें लेह लद्दाख नहीं जाना है, तो वो जो रास्ता आ रहा है ऊपर वाला हमें वो लेना है। तो फ्रेंड ये जो रास्ता है नीचे वाला लेह लद्दाख जा रहा है, और हमें जाना है इस वाले रास्ते से, ये हम चढ़ गए हैं, ये आ गया आपका उदयपुर 46 किलोमीटर, रास्ता जाता नीचे के लिए वो जाता ले लेता, रास्ता छोटा हो गया देखिए। हम
रहे हैं भैया नीचे को, देखते हैं ये गाड़ी ऑफ रोड मोड एक्टिवेटेड। ये जा रहे हैं नीचे तक। उतर तो जाएगी भाई। चढ़ते हुए भाई उधर तो गई गाड़ी। ओ भाई अब देखते हैं भाई ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। नहीं चढ़ेगी तो टाटा के शोरूम पे जाइए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई रे चढ़ जाए मेरी शेरनी। चढ़ गई भाई चढ़ गई भाई चढ़ गई चढ़ गई। ले भाई सफारी ने कर दिया बल्ले। उदयपुर से हम रह गए हैं सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं आप देखिए। काफ़ी लंबी ड्राइव होगी आज भी। ये रिवर बह रही है, इस रिवर का नाम मुझे नहीं मालूम, शायद हमारी मैडम को पता हो। क्या नाम है इसका? मैडम को भी नाम नहीं पता। ये देखिए खेत देखिए गांव देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, कितनी सुंदर लगता है। मैं पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अल्टीमेट है, आप भी देखिए। उधमपुर वही है जहाँ से आगे पत्नी टॉप और कश्मीर जाते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है, बहुत बिंदास चल रहा है जब से मैं गुड़गांव चला हूँ। 24 तारीख से चला हूँ और टुडे इज 29th। 1.3 किलोमीटर उदयपुर, हिमाचल प्रदेश ही है ये भी। कितना सुंदर कितना सुंदर विलेज आप देखिए उदयपुर। अभी हम पता करते हैं यहाँ रहने वाने के, हमने कोई बुकिंग तो की नहीं हुई है यहाँ पे, होटल्स वगैरह क्या सीन है। लेफ्ट हैंड पे मेरे ये गांव है उदयपुर, तो अब होटल ढूंढते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ फ्रेंड। तो फाइनली 6:00 आप देख लीजिए, 6:00 हम पहुँच चुके हैं उदयपुर। फ्रेंड्स दोस्तों मैं कुलदीप कौशिक, रात में बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत रात होगी वहाँ आते आते। और हम अभी हैं त्रिलोकीनाथ जी, वो सामने टेंपल देख रहे हैं त्रिलोकीनाथ जी का है। और ये खड़ी है अपनी सफारी। उदयपुर गए थे रात को, पहुँचे हम, रात हो गई थी। उदयपुर में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना कोई रहने की जगह है वहाँ, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो हम फिर रात में है यहाँ, कहाँ आ गए सफारी लेके अपनी। तो हमने छोटा सा दिखाऊँगा आपको, हमें गेस्ट हाउस मिला है रहने के लिए, छोटा सा कमरा है। त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर यहाँ है और अभी ये नहीं पता हमें आगे कहाँ जाएंगे। ये है व्यू इस गांव का, त्रिलोकीनाथ जी का। सामने वो माउंटेन्स दिखते हैं, ये सरिया पड़ा है अपना। वो सामने जो गांव देख रहे हैं आप वो है हिंसा गांव, और नीचे को उदयपुर है। एक तो रास्ता बनता है कि हम यहाँ से सफारी लें अपनी और नीचे को जाएँ पूरा घूम के उदयपुर होते हुए वापस जाएँ हम टूवर्ड्स मनाली या टूवर्ड्स शिशु कह लीजिए आप। पर अभी हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। अभी फ्रेंड हमने ये प्लान ही नहीं किया है कि हमें जाना कहाँ है।
मतलब इतनी वॉन्डरिंग पर्सनैलिटी मैंने पहली बार देखी है। लेकिन वो देखिए सामने गांव में सुबह हैट पहन के, हैट मैन अपनी दो गायें लेके आ रहा है। बहुत अच्छा व्यू है वैसे इस गांव का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार रहने को नहीं है। जो अगर कोई यार दोस्त हैं ये गोभी खेतियाँ हुई थी वो लगी हुई, यार दोस्त हैं वो कर सकते हैं, बैग उठाया। फैमिली में बहुत प्रॉब्लम, वो है सामने लार्जी होम स्टे, ऊपर एक कमरे फिर भी ठीक है, पर हमें नीचे ही मिला है। वहीं हमने गाड़ी पार्क की थी और सामान रख दिया। देखिए हेटमैन साहब आए हैं अपनी दो गाय लेके। कैसे भैया? नमस्ते नमस्ते। लोग यहाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं, यहाँ के स्टाइलिश हैं। वो एक हॉर्स है, बहुत कूल प्लेस है। उदयपुर में दिखाता हूँ अगर आपको दिख जाए यहाँ से। उदयपुर वो नीचे को जो है, वो जो नीचे है वो उदयपुर है, बिल्कुल नीचे है वैली में। वो सामने माउंटेन पहाड़ियाँ। तो अब हम ही देखते हैं गाड़ी में सामने। इसका अंत नहीं पाया गया क्योंकि शिव भी आपे, ब्रह्म भी आपे, बुद्ध भी आपे, कर्ता धर्ता आपे ही है। सिर्फ है तो उंगली है ना, इसमें डिफरेंस छोटा बड़ा ये है ना जी। समझने की बात, समझो तो गंगा ना समझ पानी जी जी जी, क्योंकि मंजिल तो एक है ना जी, मंजिल है, रास्ते अलग अलग, इधर ऊपर से भी रास्ता आता इधर जी जी, मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है, समझने की। तो आप यहीं रहते हैं कहीं? नहीं नहीं, हम तो पंजाब है, पंजाब से तब वहाने हैं, जिसके अंदर वो बसता है ना जी, वो ही आता है। बिल्कुल ठीक है, बिना बाघा से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सोचने की समझने की। मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता था चिनाब नदी है, बह रही है। चिनाब नदी वही है जो आगे कश्मीर और आगे शायद पंजाब, ये पंजाब में भी होती है और आगे जाती है फिर कहाँ, ये पाकिस्तान निकल जाती है शायद कश्मीर। मैं इतने मंदिरों में गया हूँ, बहुत मंदिरों में मैं घुमा हूँ, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, पर एक ऐसा मंदिर जहाँ पे दोनों धर्म के लोग पूजा करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भी आई थिंक हिंदू धर्म से ही है, तो वो साथ साथ पूजा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। कुछ नहीं भैया, पूछो पूछो भैया, करें जय श्री कृष्ण। देखो धर्म कोई भी हो सबकी मंजिल एक ही है, बाबा ने बताया मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं पर अल्टीमेट कहाँ आना है ये आप सबको पता है। तो जय भोलेनाथ की, जिसका कोई नहीं उसका तो शिवा है यारो, मैं नहीं कहता ये तो किताबों में लिखा है, जिसका कोई नहीं उसका शिवा है, जय शिवा। हाँ वो मैं कल रात को मैं उदयपुर ही पहुँच गया। अच्छा, और पहुँचा वहाँ रहने की जगह नहीं यार, वहाँ तो काफ़ी देर पहुँच गया फिर मैं रात को उठ के यहाँ पे आ गया। क्या है ये, ये लारजे में रुका। इस मंदिर की अद्भुत बात यह है कि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग दोनों मिलकर पूजा करते हैं एक साथ। छोटा सा बड़ा सुंदर गांव है, आइए दर्शन कीजिए और दिन में ही अपने वापस ले जाइए। बहुत ही स्टाइलिश गांव है। अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में दर्शन करके। आप भी आइए, काफ़ी अद्भुत मंदिर है। धन्यवाद।